आप सभी को मेरा आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, यादी मदद एंड वेलकम टू कमल्स टॉप 5 हिट्स, और वो भी एक ऐसे घर से जिसे शास्त्रीय संगीत का मंदिर कहा जा सकता है। अमीका कुशवाहा और कैशियस खान भारतीय संगीत की दुनिया में और मेरे ख्याल से वैंकूवर के संगीत की दुनिया में, शास्त्रीय संगीत की दुनिया में हस्बैंड वाइफ की एक ऐसी जोड़ी है जिन्होंने भारतीय शास्त्रीय संगीत को एक नया मुकाम दिया है। आप में से शायद बहुतों को मालूम ना हो, लेकिन पिछले साल से उन्होंने मुश्तरी बेगम फेस्टिवल ऑफ क्लासिकल इंडियन म्यूजिक एंड डांसेस की शुरुआत करी। इस साल उसका दूसरा बरस है और इस दूसरे बरस में वो कई ऐसे बेहतरीन संगीतकारों को आप सबके सामने पेश करने जा रहे हैं जिनको देखने और सुनने के बाद आप भी यही कहेंगे कि वाह कैशियस और वाह अमीका। लेकिन मेरे दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे इस क्लासिकल टॉप 5 हिट्स में जहां आपको मैं कुछ ऐसे बेहतरीन गीत संगीत दिखाने जा रहा हूं, वहीं आपको फिल्मों से संबंधित वो सभी जानकारी भी देने की कोशिश करूंगा जो अक्सर हम कमल्स टॉप 5 हिट्स के जरिए देते हैं। आप सबको मालूम ही है कि पिछले सप्ताह कुछ फिल्म्स रिलीज हुई थी। ऑफ कोर्स ग्रैंड मस्ती अभी तक बहुत ज्यादा मस्ती कर रही है बॉक्स ऑफिस में, लेकिन फटा पोस्टर निकला हीरो जिससे शाहिद कपूर और इलियाना डिक्रूज को बहुत ज्यादा आशाएं थी, उसको कोई खास सफलता नहीं मिली। अभी तक वो बॉक्स ऑफिस में लड़खड़ा सी रही है और इस सप्ताह भी कई फिल्म रिलीज हो रही है जो यकीनन उसके बॉक्स ऑफिस में कुछ ना कुछ असर तो डालेंगे, लेकिन सभी की नजरें अगले सप्ताह की रिलीज होने वाली फिल्म के ऊपर है क्योंकि वो फिल्म एक बहुत बड़ी फिल्म है और वो रिलीज भी हो रही है महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर, और वो है 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली अभिनव कश्यप की बनाई हुई फिल्म बेशरम। उसका कुछ गीत संगीत आज के इस प्रोग्राम में, लेकिन साथ ही साथ अमीका और कैशियस से बात करके हम ये जानना चाहेंगे कि उनके इस मुश्तरी बेगम फेस्टिवल में क्या कुछ होने जा रहा है। तो वल ले चलते पहले आपको हमारे स्पॉन्सर्स की तरफ, और स्पॉन्सर्स में आप सबको मालूम ही है बहुत ही जल्दी हमारे इस खूबसूरत शहर में, खासकर रिचमंड के रिवर रॉक कैसीनो थिएटर में एक ऐसे बेहतरीन गायक आ रहे हैं जो भारत के जाने पहचाने किशोर कुमार जी को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं, एंड ऑफकोर्स वो उन्हीं के बेटे हैं यानी कि अमित कुमार और सुमित कुमार। वो होने जा रहा है 20 अक्टूबर को, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी वो आज के इस प्रोग्राम में हमारे स्पॉन्सर और उसके बाद अमीका और कैशियस के साथ बातचीत। तबले पर आपकी उंगलियां ऐसी चल रही थी और आपकी हारमोनियम पर अमीका जैसे कि जादूगर, और वहां ही जो जादूगर ही है हस्बैंड वाइफ टीम, आपने सुनी तो बहुत होंगी, भारत में तो खैर बहुत है लेकिन हमारे बैंकों में केवल एक ही है, और ऑफ कोर्स दोनों ने शास्त्रीय संगीत को एक नई दिशा से दी है, एक नया रूप दिया है, और उसी प्रयास में आपने ये मुश्तरी बेगम फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांस, उसके लिए पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाई, बिकॉज बहुत कम ऐसे शख्स हैं जो शास्त्रीय संगीत की तरफ रुख करते हैं, और आपने ये सोचा और ये प्रयास किया उसके लिए बधाई के हकदार हैं। लेकिन मैं साथ साथ अपने जो सुनने वाले हैं और देखने वाले हैं उनको ये बताना चाहूँगा कि आपने ऐसा किया क्यों। मैंने इस फेस्टिवल को इसलिए किया है क्योंकि मुश्तरी बेगम हमारी गुरु थी और वो बहुत नाइस, शी वॉज अ लवली पर्सन, बहुत नाइस लेडी थी वो और बहुत प्यारी, और मुझे बिल्कुल अपने बच्चा जैसे मानते थे, मेरे अपने बेटे जैसे मानते थे वो। तो जब उनकी इंतकाल हो गई तो मैंने उनके कब्र पर प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए ऐसा कुछ करूँगा कि आपका नाम कभी इस दुनिया से मिटना नहीं चाहिए, वरना आप तो जानते हैं कि क्लासिकल म्यूज़िक में तो अगर आप कोई इम्पैक्ट नहीं बनाएंगे तो फिर वो तो अधूरा ही रह जाएगा। तो इसलिए हम लोगों ने इस फेस्टिवल को शुरू की, तो हमारा सोच था कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि शास्त्रीय संगीत और जो बजाते हैं, जो गाते हैं शास्त्रीय संगीत में, उनके लिए भी एक अच्छी सी प्लेटफॉर्म हो, थोड़ी सी उनके पैसे भी बन जाए कि अपना बिल्स वगैरह पे कर सकते हैं। तो हमारा ये मैंडेट है कि सारे वैंकूवर के क्लासिकल म्यूज़िक उनको एक्सपोज करेंगे कि क्या चीज़ है क्लासिकल डांस, क्या चीज़ है, तो इसलिए हम लोग शुरू किया इसको।
दोस्तों बताना चाहूंगा आपको कि ये मुश्ती बेगम फेस्टिवल इस शनिवार को यानी इस सैटरडे 28 सितंबर को होने जा रहा है न्यू वेस्टमिंस्टर में स्थित मैसी थिएटर में। और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं या जो आप वेबसाइट इस समय स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें जाकर भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। लेकिन कैशियस और अमिका, आपके साथ ये प्रोग्राम तो चलता रहेगा लेकिन हमने साथ साथ अपने कमल टॉप 5 हिट्स भी दिखाना है। इसके लिए कई खासकर यंग बच्चे जो उनसे हैं वो बड़ा इंतजार कर रहे हैं। तो वो शुरुआत करते हैं बेशरम से जो 2 अक्टूबर को रिलीज हो रही है। क्या डेट चुनी है बेशरम ने? अक्टूबर के सेकंड डे महात्मा गांधी का जन्मदिवस, जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिवस भी उसी दिन ही है, तो वह उसी दिन बेशरम जो रिलीज होने जा रही है से हमारी गीत मारे का नंबर 5। उसके बाद ये क्लासिक को चलता रहता है। धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ना तिन तिन ता तक तक थे कू कू थरी किट झलक झलक तक ता जिजी किट धिलांग धूम किट तक धा ता धा धूम किट तक धा ता धा धूम किट तक धा ता धा थरी किट थरी किट तक थरी किट धिलांग धूम किट तक धा थरी किट तक थरी किट धिलांग धूम किट तक धा थरी किट थरी तक थरी किट धिलांग धूम किट तक धा तक 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 थे कू कू थरी किट झलक झलक तक ता जिजी किट धिलांग धूम किट तक धा ता धा धूम किट तक धा ता धा कहा था ना आपको कि वाकई ये शास्त्रीय संगीत का एक मंदिर है जहाँ तबले की थाप के साथ साथ घुंघरू की झनकार भी सुनने को मिलती है। और शायद यही कारण है कि अमिका और कैशियस इस समय हमारे पूरे लोअर मेनलैंड के साथ साथ सारे कनाडा में छाए हुए हैं। एंड ऑफ कोर्स मुश्तरी बेगम फेस्टिवल ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक एंड डांसेस में आपको यही सब कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तो एक और गीत, सोनू निगम ने हाल ही में बहुत ही खूबसूरत गीत गाया आने वाली फिल्म वार्निंग जो इसी फ्राइडे से रिलीज होने जा रही है, उसी से हमारी गीतमाला का नंबर 4। लेकिन इसके बाद भी आपके साथ और कुछ चलेगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसे कहते हैं कि अगर अच्छी संगत में बैठा जाए इंसान पे तो इंसान जो है नौसिखिया वो भी कुछ ना कुछ सीख जाता है। और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा मेरे दोस्तों आपको कि अमिका सैस्केटून में पैदा हुई, वहीं पर ही पली बढ़ी और उसके बाद ऑफ कोर्स घर का माहौल ऐसा था कि उन्होंने संगीत की तरफ अपना रुख अपनाया। और ऑफ कोर्स हारमोनियम के साथ साथ एक बहुत ही मानी हुई कथक प्लेयर है। और रही बात हमारे कैशियस की, उनके घर में संगीत कोसों दूर था लेकिन उसके बावजूद ये शुगर सिटी लटोका से। जी हाँ, अरे वाह, वही शुगर का जो सा है वो इनके तबले में मिठास बनते इस तरीके से हम सब तक ये पहुंचा रहे हैं कि क्या बात है। और आज कैशियस और अमिका की ये जोड़ी पूरी दुनिया में मानी जाती है और मुझे बड़ा फखर है इस बात का कि हमारे वैंकूवर से, हमारे लोअर मेनलैंड से ऐसे अच्छे संगीतकार हैं जिन्होंने अपने इस संगीत को सारी दुनिया में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मशहूर किया है। और इनका ये प्रोग्राम इस सैटरडे को होने जा रहा है जिसमें ऑफ कोर्स अमिका अपनी कथक तो दिखाएंगी साथ ही साथ अपने हारमोनियम एंड कैशियस
उनकी गायकी और तबला दोनों को आप सुनने जा रहे हैं, लेकिन कैशियस अमिका मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप दोनों के अलावा और भी तो कई जाने पहचाने वहाँ पे हस्तियाँ होंगी। जी बिल्कुल, हमारे लिए आ रहे हैं भरतनाट्यम डांसर नरेन गणेशन जो चेन्नई से हैं एक्चुअली, भारत के मशहूर। जी बिल्कुल, और वो आ रहे हैं और उनके साथ लाइव म्यूजिशियंस भी आ रहे हैं। उनके साथ आएंगे कर्नाटक वायलिन प्लेयर और वोकलिस्ट और तबला बजाते हैं इनके स्टूडेंट हैं अभिषेक अय्यर, और लेकिन वो मृदंगम की तरह तबला को बजाएंगे, तो उसमें भी एक देखने लायक चीज है। और साथ साथ में आ रहे हैं कमलजीत गिल, डॉक्टर कमलजीत गिल जो चंडीगढ़ से हैं, और वो एडमिंटन में रहती हैं, लेकिन हमारी खुशकिस्मती है कि वो अब हमारे एडमिंटन में रहती हैं, तो हम उनको यहाँ पे बुला रहे हैं। वो ख्याल और ठुमरी गाएंगी उस रात को। कुल मिलाकर एक बहुत ही बेहतरीन क्लासिकल वोकल इंस्ट्रूमेंटल एंड डांस का आपने ये पूरा आयोजन किया है, और यकीनन मुश्तरी बेगम फेस्टिवल एक ऐसा फेस्टिवल है जिसकी तरफ सारी दुनिया की नजरें हैं। पूरे नॉर्थ अमेरिका में इसने बहुत ही कम उम्र, बहुत ही कम समय में इतना नाम कमा लिया है, और इसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए जो आप इस समय वेबसाइट देख रहे हैं उसमें आप जा सकते हैं या टेलीफोन पर आप फोन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप उसमें जाना चाहें तो आप टिकट्स अभी भी ले सकते हैं। जी हाँ जी बिल्कुल, मैसी थिएटर के बॉक्स ऑफिस से ली जा सकती है, और मेरे ख्याल से शनिवार को अगर आप थोड़ा समय पहले पहुंचे तो वहां पर आप बॉक्स ऑफिस से बाय कर सकते हैं। और टिकट के प्राइस क्या? टिकट्स की प्राइस बहुत ही रिजनेबल है, अगर आप देखें कि सारे फीस मिलाकर एडल्ट्स का $35 है। अच्छा अच्छा, और सीनियर स्टूडेंट्स की $18 की है, $18 की। और ग्रुप रेट भी है हमारे पास, जो अगर आप चार टिकट खरीदते हैं किसी भी रेट पर उस पर आपको एक मुफ्त मिलता है, सो यू कैन ब्रिंग फोर पीपल। अगर आपकी फैमिली थोड़ी बड़ी है तो उससे आपको फायदा होता है और हमें भी फायदा होता है। और बच्चों आप और अंडर एज एंड अंडर फ्री, यानी कि कुल मिलाकर पूरा एक प्रयास है, क्योंकि आप इससे तो अंदाजा लगा सकते हैं कि शास्त्रीय संगीत में कोई ज्यादा पैसा नहीं बनता है, लेकिन ये प्रयास इनका इसलिए है कि शास्त्रीय संगीत आप तक पहुंचे, और उसी प्रयास में आपका योगदान चाहिए। इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए जैसे कि आप टेलीफोन नंबर स्क्रीन पर देख रहे हैं आप उनको फोन कर सकते हैं या वेबसाइट पर जा सकते हैं। लेकिन फिलहाल बारी एक और गीत की, आपके गीत जैसे कि मुकाबले का तो नहीं है, लेकिन कोशिश करूंगा शायद हमारे कमर्स टॉपर हिट्स में वो उनको पसंद आए, तो वह ले चलते हैं आपको हमारी इस गीत माला के नंबर 3 की तरफ। सारी दुनिया जोड़ के 2002 यानी कि 2002 में अमिका परफॉर्म कर रही थी एडमंटन में, जहां कैशियस ने उनको देखा कुछ ऐसे इंप्रेस हुए कि जाते ही उनका हाथ चूम लिया, और उसके बाद क्या हुआ जरा अमिका से पूछना चाहेंगे। अमिका उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद मैं ऐसी चौंक गई कि मैंने कहा ये अभी थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है मुझे। फिर उसके बाद एक फ्रेंड थी हमारी जिन्होंने हमारी फिर दोबारा से मुलाकात कराई, तब फिर हमें ऐसा पता लगा कि वी एक्चुअली आर प्रीटी कॉमन इन आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, तो फिर ऐसे बात छिड़ गई और वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। एंड वो फ्रेंडशिप 2006 में शादी में तब्दील हो गई, और ऑफ कोर्स तब से दे आर कंसीडर्ड एज द बेस्ट लुकिंग एंड द बेस्ट परफॉर्मिंग शास्त्रीय संगीत कपल इन कनाडा। और मेरे ख्याल से शायद नॉर्थ अमेरिका भी मैं कह सकता हूं। वाओ, लेकिन बेस्ट लुकिंग ये है, मैं सब लोग मुझे देखते हैं तो कहते हैं देखो हर शास्त्रीय संगीत प्रेमी जो से है ना, वो इस समय जो प्रोग्राम देख रहा होगा ना, वो यही कह रहा होगा कि भाई जल्दी से जल्दी इनको मिला जाए और इनके साथ फोटोज खिंचवाई जाए। वाह वाह, आइए सितंबर 28 को फिर ये सब। एब्सोल्युटली, और सितंबर 28 की बात चली तो मेरे ख्याल से शायद अमिका आपको भी ना पता हो और कैशियस आपको ना पता हो, इसमें हम सरस्वती देवी के बिल्कुल नीचे बैठे हुए हैं, और सरस्वती देवी का प्रतिबिंब अगर भारतीय फिल्म संगीत की दुनिया में कोई है तो वो है लता जी। लता जी का जन्म दिवस भी 28 सितंबर। क्या दिन चुना है आपने, सुना दोस्तों मेरे दोस्तों कि उस बेहतरीन दिन जब लता जी अपना 84th बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होंगी, हम शास्त्रीय संगीत के जरिए ये महानुभाव और कई और जिनमें डॉक्टर कमलजीत गिल, इसके अलावा नरेन गणेशन भरतनाट्यम डांसर और मुकुल शंकर कृष्णन बजा रहे हैं वायलिन, और डॉक्टर दीपक परमाशिवन बजा रहे हैं सारंगी, वो हमेशा सारंगी भी बजाएंगे और वो गाते भी बहुत अच्छे हैं, और शायद वीणा भी बजाएंगे, और अखिल जोबानपुत्र तो आप जानते हैं बिल्कुल है ना, तो वो हमारे साथ नहरा बजाएंगे अभिका के डांस के लिए, वो गाएंगे भी हमारे साथ भी, वो ताल मंडल जो आप पहले बजा रहे थे वो बजाएंगे हमारे साथ, और हमारे दूसरी स्टूडेंट जो है कीर्ति अर्नेजा जी जी वो भी हमारे साथ इस बार शामिल होगी और वो भी तानपुरा बजाएंगे, यानी कि संगीतकारों की एक जबरदस्त जिसे कहते हैं ना कि बहुत बड़ी
संख्या में वहां पे पहुंचे होंगे जो लता जी को हैप्पी बर्थडे तो साथ साथ कहेंगे एंड ऑफ कोर्स मुश्ती बेगम जी को ट्रिब्यूट भी देंगे मुश्ती बेगम क्लासिकल फेस्टिवल ऑफ इंडियन म्यूजिक और डांसेस में। तो वह इसमें संगीतकारों की बात चल रही है, संगीत प्रेमियों की बात चल रही है, तो क्यों ना एक ऐसे संगीत प्रेमी की तरफ ले चले जिन्होंने अपने गाए हुए गीतों से ऑफकोर्स सारी दुनिया में बहुत ज्यादा नाम कमाया। मेरा इशारा किशोर कुमार जी की तरफ है, जब वो गाते थे एक रंग जमा देते थे। तो वह किशोर कुमार लाइव आप सबको मालूम ही है 20th October को आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल तो खुद किशोर कुमार साहब जो हमारे इस प्रोग्राम की गीत माला के नंबर 2 है। गुजार दी है तारों के रोशनी में, अफसाना सुन चुका हूँ अपने ही खामोशी में, रातें गुजार दी है। क्या बात है, क्या बात है। मैंने आपको जैसे बताया मेरे दोस्तों, कैशी जितना अच्छा तबला बजाते हैं उतना अच्छा गाते भी हैं, और अपने इसी प्रयास में उन्होंने ये एल्बम निकाली है। इसका नाम है मुश्ती। ऑफ कोर्स तबला बजाते हुए वो आपको गजल भी सुना रहे हैं, और ये अपने ही गुरु मुश्ती जी की याद में और उसी प्रयास में मुश्ती जी के नाम को और रोशन करने के प्रयास में वो हर साल मुश्ती बेगम क्लासिकल म्यूजिक फेस्टिवल का आयोजन करते हैं, जिसमें ऑफ कोर्स डांसेस भी आप देखते हैं, और वो इस साल शनिवार 28 सितंबर को मैसी थिएटर में होने जा रहे हैं। अमिका ने जैसे बताया टिकट प्राइसेस बहुत कम है, और इनका प्रयास केवल यही है कि शास्त्रीय संगीत की महक आप सब तक पहुँचे, एंड ऑफकोर्स उसके लिए आप सबका सहयोग भी चाहिए। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अधिक से अधिक संख्या में वहाँ पे पहुंचकर इस फेस्टिवल को चार चांद लगाएं, ताकि पता चले कि हमारे इस लो मेनलैंड में ऐसे एक कपल है जो शास्त्रीय संगीत की महक आप सब तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं तो भी आपको अपना बॉस ही कहूंगा, शास्त्रीय संगीत का बॉस कहूंगा, और शास्त्रीय संगीत के बॉस की बात चले तो बल हमारा गीत माला का अगला नंबर 1 जो है वो भी फिल्म बॉस में से लिया गया है। बिल्कुल बॉस जो बहुत जल्दी आने वाली है उसी से हमारी गीत माला का नंबर 1। हर किसी को बहुत ही खूबसूरत तस्वीर है, और मेरे ख्याल से अगर मैं गलत हूं तो ये अमिका की है। जी हाँ बिल्कुल अमिका है, देखो कितना कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारी एक फ्रेंड थी कमल, उनका नाम भी कमल है, तो उन्होंने कमल एक फोटो लेके उन्होंने कहा कि मुझे डांसर की तस्वीर बनानी है, तो उन्होंने ये बनाई। और इस तरफ ऑफ कोर्स हमारे कैशियस अमिका जी, ये भी उनका बहुत ये प्रयास था कि वो कैशियस की पेंटिंग बनाए। अच्छा, तो This is the result. She made this painting. Yes. मेरे ख्याल से इस संगीत के मंदिर में ऐसी और भी बहुत छवियां हैं जो मैं अगर यहाँ पर आकर देखने लोगों तो शायद घंटों व्यतीत हो जाए, लेकिन आपको प्रोग्राम के अंत में मेरे ख्याल से मैं यही कहना चाहूँगा मेरे दोस्तों कि अगर आप शास्त्रीय संगीत में रुचि रखते हैं या शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देना चाहते हैं तो इससे बेहतर सुनहरा मौका आपके पास नहीं है कि आप इस शनिवार 28 सितंबर की शाम को 5:30 बजे या 6:30 बजे के करीब आप न्यू वेस्टमिंस्टर में स्थित मैसी थिएटर में आए, इनकी हौसला अफजाई करें, क्योंकि इनका जो प्रयास है बहुत ही सराहनीय है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ाते हैं, कैशियस ने ये किया, ऑफ कोर्स इनकी पत्नी अमिका इस प्रयास में उनके साथ है, और मेरे ख्याल से आप सब भी उसमें भागीदार हो सकते हैं वहाँ पर पहुँच के। कैशियस बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और अमिका जिस तरीके से आपने इस खूबसूरत मंदिर के मुझे दर्शन कराए उसके लिए मैं आपको जितना धन्यवाद कहूँ वो कम होगा। और मैं तो केवल यही कहूंगा कि हर वो जो संगीत में रुचि रखते हैं इस न्यू वेस्टमिंस्टर स्थित इनके इस मंदिर में आके देखें, तब आपको पता चलेगा कि संगीत और ताल और ऑफ कोर्स ये सब कितना खूबसूरत मिश्रण है यहाँ पर। पर मेरी और आपकी मुलाकात ऑफ कोर्स संडे को होने जा रही है 1:00 PM यादें में, जबकि मैं आपके लिए लता जी के ऊपर एक प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ। लता जी इज गोइंग टू बी 84 years old। कांग्रेचुलेशंस, मेरे ख्याल से लता जी को याद करते हो उस दिन भी आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। हाँ करेंगे, जरूर करेंगे। शायद ऐसी कुछ और आपको वहां पर देखने को मिलेगी, इस उम्मीद से कि आप सब इनको और इनके मुश्ती बेगम फेस्टिवल को देखने आएंगे। आप सबसे विदा लेते हैं, धन्यवाद।